अब इसकी तबीयत कैसी है कुमराल अब्दाल? ये जख्म बहुत गहरा है मेरे शेख, लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं देखता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, अपनी रहमत नाजिल फरमा इस मिकाइल को, इस पर सेहत अता फरमा प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खातिर। अपने इस बंदे के जख्मों को भर दे, इसे सेहत याब फरमा या रब्बे करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाए, एहतियाती तौर पर तलाशी देनी होगी। तलाशी लो। आप जा सकते हैं। हम उनके छुपने की जगह के करीब हैं। उनकी तादाद बढ़ रही है, हम उनका ठिकाना ढूंढ लेंगे। चलो। खुश आमदेद उस्मान साहब। ए, शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आपकी अफ्तारी के लिए खुसूसी इंतजाम कर रखा है। अफ्तार के बाद शादी की तकरीब होगी, यकीनन आप लोग थक गए होंगे। तब तक के लिए अपने कमरों में आराम फरमाएं। शुक्रिया आपका बहुत जुस्तुनियानुस, सफर ने बहुत थका दिया। बिल्कुल ठीक कहा उस्मान साहब, थकन हो गई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो आइए फिर उस्मान साहब।
आए माशाल्लाह, आए माशाल्लाह, नया जो लोहा आया है ये बहुत अच्छा है। हम इससे मजबूत तलवारें बनाएंगे। हमारी नीयतें साफ हैं, इसीलिए अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। अपनी आंखें खुली रखो, हम किसी को इसके नजदीक नहीं आने देंगे। चलो शेरो, इसे नीचे उतारो। आग पर मजीद कोयला डालो। ये वो जगह है जहां ये लोग लोहे को पिघलाते हैं और तलवारें बनाते हैं। इनके ख्वाब बड़े हैं लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। आप हुक्म दीजिए, हम सबको मार देंगे। अभी नहीं हसामुद्दीन, अभी नहीं। हम इन्हें मजीद हथियार बनाने देते हैं। जितने ज्यादा हथियार होंगे तबाही उतनी ही ज्यादा होगी। पहले मैं सरदारों से मशवरा करूंगा, उनकी वफादारी को यकीनी बनाऊंगा। चलो कबीले की तरफ चलते हैं। यहां इंतजार करो और आंखें खुली रखना। जैसे आपका हुक्म। तुम कहां जा रहे हो? कज़ल ईमान की तरफ। बेटा, मेरा बहादुर बेटा, तुम्हें बहुत याद किया मैंने। मैंने भी बहुत याद किया बाबा। उस्मान साहब के हुक्म से आग तैमूर अपना फरीजा यहां निभा रहा है। और आयशा, क्या उन्हें इल्म है? जब से वो पहाड़ों की तरफ गई है मैं फातिमा से मिलने के लिए तरस रही हूँ। आपने इतने सालों कैसे इंतजार किया गुंदूस साहब? रियासत के कायम के लिए कुर्बानियां दरकार होती हैं। माशाल्लाह 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 मेरे बेटे। हमने सोचा कि तुम कहीं पढ़ रहे हो लेकिन तुमने तो अभी से ही जंग की शुरुआत कर दी है। आगते मोर, मुझे बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या तुम जानते हो उन्हें कहाँ रखा है? वो जिंदान में है। जिंदान के मकाम पर निशान लगा दिया है। मैं फिर आऊंगा लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। कुछ पता चला तो बताऊंगा आपको। तुम्हारा शुक्रिया आग तैमूर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हामी और नासिर हो। बाबा, मोहतात रहिएगा। माशाल्लाह, ये अपने बाबा का एक लायक बेटा है। शुक्रिया मलहून खातून। ये वैसा है जैसा इसने कहा था। चूंकि अब जिंदान का मकाम मालूम हो गया मैं बताती हूँ क्या करना है।
देखना हम इन जंजीरों से जान छुड़ा लेंगे मेरे भाई। लेकिन हम ये कैसे करेंगे, देखिए ना कितनी मजबूत है ये। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर जंजीरें ना तोड़ सके हम तो चाबियां हासिल कर लेंगे। बाबा हमें बचाने के लिए यहाँ जरूर आएंगे भाई। तुम कहना क्या चाह रहे हो बताओ मुझे। मेरे ख्याल से हमें बाबा का इंतजार करना चाहिए। जानता था तुम यही कहोगे। हिम्मत मत हारो, हमें कुछ सोचना होगा। हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं भाई, इस हालत में हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो हम इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक दो तीन या हक। एक दो तीन या हक। एक दो तीन या हक। कितना मजा आ रहा है, क्या कर रहा है ये काम। कमाल कमाल कर रहा है। उफ, इसकी जादूगरी देखो, देखा है। मैं देख सकता हूँ बड़ी मेहनत की है आपने। मैं अपनी खुश नसीबी समझूंगा अगर मेरी मेहनत रंग ले आए। कितने बुजदिल हैं ये, उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आए, खौफजदा रहते हैं, इसीलिए पीछे साजिशें करते हैं। वो इतने मजबूत नहीं है इसलिए वो हमें बच्चों से डराते रहते हैं। कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चों को उस जालिम आदमी के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। आप दोनों अपने आप को मुतमईन रखें, उनकी रगों में अर्तुरुल गाजी का खून है, अल्लाह के हुक्म से अपना ख्याल रख सकते हैं। हम कले में हैं, उनके बगैर यहाँ से जाना हमारे लिए हराम है। अल्लाह हमारा मददगार हो, चलते हैं। चलो कोई आ रहा है। चेर कुत्ता है, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए मेरे भाई, ये जगह खतरे से खाली नहीं।
तकरीब का इफ्तिताह किया जाए। नाम कैसर है, नाकाबले शिकस्त है। मुझे खुशी है कि ये मेरा प्यादा है, इसलिए मुझे हारने का कोई डर नहीं। जी अब्दुल रहीम सिपाही को शिकस्त नहीं दे सका, देख रहे हैं। हम कभी इस बात की फिक्र नहीं करते कि दुश्मन आखिर कौन है हमारा। सिपाहियों, मुझे ये बताओ कि सीजर से कोई लड़ेगा तुम में से? मुझे इसकी इजाजत दे जनाब। गेंजे भाई, अगर ये नाकाबिले शिकस्त है तो मैं इससे लड़ूंगा। इसे खाक में मिलाने के लिए बेताब हूं मैं। शामिल, क्या सोचा, सीजर से लड़ना चाहोगे तुम क्या? मैं हक के नाम पर लड़ने के लिए बहुत दूर से आया हूं। मैं सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों से लड़ूंगा जनाब। हे शुक्रिया। तो रहान जनाब, मेरे सीने में आग जल रही है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब्दुल रहीम जाए और लड़े उससे। कोई है? क्या कोई नहीं है? मोहतात रहे। आह आह, पेट में दर्द हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? रात के खाने तक कोई कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तबीब की जरूरत है। आह आह, तुम क्या देख रहे हो? इसके पेट में दर्द है क्या? तुम लोगों को तरस नहीं आ रहा? क्या मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हो? हमें एक तबीब की जरूरत है। आप लोग कमरे में चलिए और बेफिक्र हो जाइए, तबीब को हम ले आते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है कि उनका इंतजार करें, हम खुद चले जाएंगे। चलिए। देखिए जनाब, आप अपने कमरे में जाइए, जैसा कि मैंने कहा तबीब को हम ला रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? इन्हें तबीब की जरूरत है। अपने काम पर वापस जाओ, मैं देख लूंगा। हाय माशाल्लाह, आप तैमूर कितने सही वक्त पर आए। जिंदान तालान के आखिर में मुहाफिज तब्दील होने वाले हैं, दो मुहाफिज होने चाहिए, मोहतात रहिएगा।
बेटा तुम भी बहुत होशियार रहना और अपना ख्याल रखना। चले चलते। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये आंखें खोल रहे हैं। कोशिश, कैसे हैं आप? क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? नहीं, नहीं। शेख अदवाली साहब, दिमागदारी का शुक्रिया आपके। उस्मान साहब कहाँ है? कहाँ है उस्मान साहब? क्या उन्होंने औरहान और अलाउद्दीन को बचा लिया या नहीं? आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए कोशिश। आपके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं, अचानक हरकत करने से बिगड़ सकते हैं। ये बताओ बच्चे बच गए या नहीं? उस्मान इस वक्त बेल्जिक कलए में है, इंशाअल्लाह वो शहजादों को सही सलामत मेरे पास ले आएंगे। अदब अली साहब, ये तो मैं जानता हूं कि आप खतरे को ज्यादा बड़ा जाहिर होने नहीं देते। हैरानी तो मुझे इस बात पर हो रही है कि आप इतने पुरसुकून कैसे हैं जबकि आपके पुत्रों को अगवा कर लिया गया। हमें सिर्फ अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। ये बुरा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी हो। मैंने अपने शहजादों को अल्लाह की अमानत में दे दिया है। उस्मान साहब और उनकी दोनों माएं उनकी तलाश में उनके पीछे गई हैं, और हान और अलाउद्दीन को वो इंशाल्लाह जरूर वापस लाएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वैसे मैं कभी इतना मुतमईन नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जानें और हमारी रूहें अल्लाह की अमानत हैं। हम तो सिर्फ सब्र और दुआ कर सकते हैं उनके लिए। मेरे इलाज की भी जहमत हुई आपको, और दूसरी चीजों के साथ मेरा भी ख्याल करना पड़ा। रब ने आपको जिंदगी बख्शी, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। शहजादों के लिए मैं फिक्रमंद जरूर हूँ। अगर मैं अपना सारा वक्त शहजादों की याद में गुजार दूं, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करूंगा? मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मेरी ये खुशनसीबी है कि आप मेरे दोस्त हैं। मैं आपका मशकूर हूं दबाली। आप दोस्त या दुश्मन तो जरूर हो सकते हैं, आप मुसलमान या फिर गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुसलमान के घर में जख्मी होकर आए हैं और मदद के तलबगार हैं, तो फिर मुसलमान का फर्ज है कि वो आपकी मदद करे। आपके मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पर रहम किया गया है अल्लाह के नबी की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीला आसमान अल्लाह ने हमें अता किया है, और नीचे ये जमीन जो कि हम सबके लिए है और जिस पर हम बसते हैं, इसलिए हमें दुनिया के तमाम लोगों के साथ भाईचारगी के साथ पेश आना चाहिए। हम जालिमों के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं और बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि हम हमेशा मजलूमों का ख्याल रखते हैं। दिल से शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अब्दुर्रहीम, जाओ इन्हें सलाहियत दिखाओ जरा। जैसे आपका हुक्म जनाब। जैसर,
जरा बख्तर पहन लेता तो अच्छा होता। सीधर खतरनाक है। नहीं, वो हमें सुस्त करती है। फिर से शुरू हो जाओ, जल्दी। उठाओ इसे यहां से।